हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र कुमार और आपका स्वागत है फिर से हमारे चैनल डिजिटल सर्विस सॉल्यूशन में। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने एमएस वर्ड का होम मेन्यू सिखाया था, जिसे मैंने आपको पूरा कंप्लीट ही कराया क्योंकि मैं चाहता नहीं था कि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज हम इसे कम्प्लीट कर लेते हैं होम मेन्यू को। आज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ उसके आगे से जो कि स्टार्ट होगा, आज हमारा बुलेट से स्टार्ट होगा। तो चलिए हम बुलेट से स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मुझे कुछ टाइप करना होगा तो मैं आज नेम टाइप कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इसमें शॉर्टिंग भी करानी है आज और बुलेट्स भी लेने हैं। तो मैं नेम टाइप कर लेता हूँ नरेंद्र कुमार। कुणाल, सरिता, मुकेश, राहुल, जावेद, पूनम, अंजलि, अरीबा, राहुल हो चुका है ऑलरेडी, ओके, ठीक है। तो हमने इतने नेम ले लिए हमने। अब मुझे यहाँ पे बुलेट्स लेने हैं तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि सिलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास बाय डिफॉल्ट बुलेट्स है हमारे पास यहाँ पे देखिए। तो मुझे अगर ये बुलेट्स लेना है तो मैं यारह बुलेट्स ले सकता हूँ। जो भी मुझे बुलेट चूज़ करना है मैं उसके अकॉर्डिंग ले लेता हूँ, जो कि मेरे काम के अकॉर्डिंग जो भी बुलेट्स मिले सूटेबल हो वो बुलेट्स मैं ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं, एक बुलेट्स है हमारे पास। अगर आपको बुलेट्स नंबर्स में चाहिए इस तरह से नंबर्स में ले सकते हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर में ले, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर में ले सकते हैं आप, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। जो भी आपको बुलेट्स आपके लिए सूटेबल हो, मैंने बताया कि आपको जो भी आपको सूटेबल लगता है वो इस तरह का बुलेट्स आप ले लेते हैं। तो मैं नन पे क्लिक कर देता हूँ। मैं ओके कंट्रोल ए प्रेस करना था, कंट्रोल जेड करा, कंट्रोल ए, देन उसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ। अब मुझे चाहिए कि मुझे अपने आप से मुझे चाहिए, मैं चाहता हूँ कि ये बुलेट जो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है वो ना होकर मैं अपने आप डिफाइन कर सकूँ। तो मुझे डिफाइन न्यू बुलेट्स देना है तो यहाँ पे देखिए वेबिंग्स में लिया मैंने यहाँ पे जो भी मेरे काम के अकॉर्डिंग तो मुझे जो सूटेबल मुझे लगता है कि मेरे इस वर्क के लिए मुझे सूटेबल ये है तो मैं उस तरह से बुलेट से ले लेता हूँ यहाँ पे जो मुझे बुलेट चाहिए। सपोज डैट कि मैंने इस तरह का बुलेट ले लिया और ओके किया। अभी देखिए इस तरह से हमारे बुलेट्स आ गए। अभी से हम कंट्रोल क्लोजिंग कर ली ब्रेक्स प्रेस करेंगे, शॉर्ट कमांड है, इसे इंक्रीज ऑर्डर में करना। तो मैंने इसे इंक्रीज कर दिया है, फॉन्ट का साइज थोड़ा सा बढ़ा दिया है मैंने यहाँ से। उसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे और आपको कोई और बुलेट्स चाहिए तो आप वहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं जो भी है। डिफाइन न्यू बुलेट्स, अपने सिंबल्स तो ले लिया, पिक्चर्स ले सकते हैं आप। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे और ओके प्रेस करेंगे। ये देखिए इसका साइज जो है मैं बढ़ा देता हूँ, थोड़ा साइज इंक्रीज कर देता हूँ इसका साइज ये साइज मैंने आपसे बढ़ा दिया है। अभी देखिए आपको यहाँ पे सिंपली आपको सारे के सारे बुलेट्स हो रहे हैं। अगर मैं जाते अरीबा पे क्लिक करके फिर एंटर प्रेस करता हूँ तो अपने आप ही आ जाएगा ये हरीश, सुरेश। अब आप चाहते हैं कि इस तरह के बुलेट सूटेबल नहीं है, पिक्चर्स आपकी अपनी फ़ोटो या किसी जिसकी मतलब बच्चे की कोई फ़ोटो है या जो भी है जिसकी भी, तो हम यहाँ पे इस तरह से लगा सकते हैं। ये हमारे पास बुलेट्स हो गए और ये बुलेट्स हैं हमारे पास पिक्चर्स वाले। सिंबल्स भी बुलेट मैंने आपको करा दिया, बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास थे अवेलेबल वो भी मैंने आपको यूज़ करना सिखा दिया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नंबर्स के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये जो बुलेट्स हैं ये सब हेडिंग, जैसे कि आपने देखा होगा नोट मेकिंग में हमारे पास हेडिंग सब हेडिंग यूज़ होती हैं, उस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट होते हैं हमारे पास। ये देखिए इसका रोल क्या है, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल किया मैंने यहाँ से और मैंने यहाँ से जैसे ये जैसे कि मैं यहाँ पे इंक्रीज यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, ये डिक्रीज है, ये इंक्रीज इंडेंट है। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अपना आप जो ब्लड्स लिया था उसका भी साइज थोड़ा सा स्पेस जो है कम ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ से डिक्रीज इंडेंट और ये इंक्रीज इंडेंट है हमारे पास, इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये शॉर्टिंग है, शॉर्टिंग में ही पहले बाद में करेंगे।
यहाँ पे हमारे पास जो ये है, हमारे पास अलाइनमेंट्स है। देखिए हमारे पास लेफ्ट अलाइनमेंट्स है, उसके बाद ये सेंटर अलाइनमेंट है, सेंटर पर क्लिक करेंगे सेंटर में हो जाएगा। उसके बाद ये लेफ्ट राइट अलाइनमेंट्स हैं, उसके बाद ये जस्टिफाई है। तो हम जस्टिफाई पर रहने देते हैं, आपको जो भी टेबल लगे उसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा। तो बहुत से लोग सेंटर अलाइनमेंट भी लेते हैं किसी वर्क के लिए, तो सेंटर अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट ले लिया हमने यहाँ से। उसके बाद ये हमारे पास स्पेस के लेकर है, इसकी आप उसके बीच में स्पेस कितना देना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम हो गया है, यहाँ पे हमारे पास 1.15 था स्पेस। जैसे जैसे आप इसके बीच में स्पेस लाना चाहते हैं, यानी कि इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप बीच में सबके इक्वली स्पेस देना चाहते हैं तो आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि फिर आपको अगर इसका यूज़ नहीं करेंगे आपको पता चलेगा किसका स्पेस ज़्यादा है किसका कम है। आप सिलेक्ट ऑल करके उन पर इक्वली स्पेस ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फिलहाल 1.0 कर देता हूँ या 1.15 ही रहने देता हूँ। और उसके बाद यहाँ से भी ये देखिए, जैसे मैंने आपको क्लियर का फॉर्मेट का कराया था, यहाँ से भी आप जब जाते क्लिक करते हैं तो ये पूरा का पूरा क्लियर कर देता है और इसमें नो स्पेसिंग आ जाता है। ये हमारे पास कुछ थीम्स बाय डिफॉल्ट हमारे पास टाइल्स है, टेक्स्ट टाइल्स हैं। तो यहाँ से हम इस तरह से इसको भी यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है सॉर्टिंग। शॉर्टिंग में देखिए यहाँ पे हमारे पास इंक्रीजिंग और डिक्रीज ऑर्डर में आता है, हमारे पास असेंडिंग और डिसेंडिंग में, सॉरी इंक्रीज एंड डिक्रीज नहीं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। मैं चाहता हूँ कि इसका बड़ा ही अच्छा रोल है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो भी नेम्स हैं अल्फाबेटिकली अरेंज हो जाए, तो मैंने इसे असेंडिंग ऑर्डर में ले लिया है। ओके क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ था नहीं, ये इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आ गया, ए पहले आता है, फिर इसके बाद एच है, फिर जे है, फिर के एम एन ओ पी क्यू आर, जो भी है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ये लग गया है। अगर आप चाहते हैं कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए तो ये डिसेंडिंग में भी आप क्लिक करेंगे और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, यानी कि आपको खुद करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली अपने आप ही हो जाएगा। बहुत ही यूजफुल तो ये अपने आप ही अरेंज हो जाएंगे ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद ये टैब है, जहाँ जहाँ आपने टैब प्रेस करा होगा, एंटर प्रेस करा होगा, वहाँ पे ये अपने आप ही शो कर लग जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ टैब प्रेस किया है। उसके बाद ये हमारे पास है शेडिंग करना, तो मैं यहाँ पे जैसे जो भी इसको शेडिंग करना चाहता हूँ, जैसे मैंने सेलेक्ट ऑल कर रखा है इसलिए पूरे को शेड कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये पर्टिकुलरली जो आपने सेलेक्ट किया है वही सिलेक्ट हो, तो आप क्या करते हैं कंट्रोल जेड और आपने वो मतलब शेड करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे भी आप इसको शेड करना चाहें वो ऐसे आप शेड कर सकते हैं। तो पर्टिकुलरली किसी को अगर शेड करना है तो आप इस तरह शेड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर है, तो अगर आपने क्या करा ऑल बॉर्डर, तो इसके लिए वो ऑल बॉर्डर तो लगे नहीं क्योंकि मैंने सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर ऑल बॉर्डर पर क्लिक करता हूँ, तो जो जो हमारे पास जितने भी नेम थे उन सभी को ये बॉर्डर में ले लेगा। और अगर आप किसी पर्टिकुलर को देना चाहते हैं तो पर्टिकुलर पर क्लिक करके सिलेक्ट करके आप उसको पर्टिकुलरली बॉर्डर दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल ए किया और उसके बाद मैंने इसको नो कलर कर दिया और यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे नो बॉर्डर में क्लिक कर दिया, ये बॉर्डर से हट जाता है। उसके बाद मैंने आपको ये सारे के सारे क्लियर करवा दिए हैं। उसके बाद ये चेंज स्टाइल्स हैं, तो मैं अगर ये चाहूँ तो इसको भी कभी कभी भी अगर आप चाहें तो, वैसे तो आप यहाँ से टेक्स्ट ले लेते हैं, यहाँ से जो भी हमें फॉन्ट वॉन्ट चाहिए टेक्स्ट साइज चाहिए यहाँ से भी हम इसको यूज़ कर लेते हैं, बुलेट इटैलिक अंडरलाइन, और यहाँ से भी आप चाहें तो इस तरह से बाय डिफॉल्ट हमें मिलता है, यहाँ से भी आप इसको चेंज ईजिली कर सकते हैं। उसके बाद है फाइंड कमांड। फाइंड कमांड का यूज़ बहुत अच्छा है, बहुत ही यूज़फुल है फाइंड कमांड, क्योंकि अगर आपके पास कुछ ज़्यादा डाटा है और उसमें से आप कुछ सर्च करना चाहते हैं तो आपको ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा, तो इस फाइंड कमांड को यूज़ करके आप ईजिली किसी चीज़ को भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे पास मैंने कुछ टेक्स्ट टाइप कर लिए हैं और मुझे यहाँ पे सर्च करना है कि भाई होम कहाँ लिखा हुआ है, तो मैं कंट्रोल ऐप, इसका शॉर्टकट कमांड भी होता है कंट्रोल ऐप, तो यहाँ पे भी आप इसको ऐसे करके कंट्रोल ऐप करके भी फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे होम लिखा और मैंने एंटर प्रेस किया, तो जहाँ जहाँ भी होम लिखा हुआ था देखिए उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, तो ये होम है। तो इस तरह से आप इसको ईजिली फाइंड कर सकते हैं भाई होम कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास आता है रिप्लेस कमांड। रिप्लेस का शॉर्टकट कमांड जो है कंट्रोल एच होता है, कंट्रोल एच भी प्रेस कर सकते हैं आप। यहाँ से आप चाहते हैं कि भाई कि जहाँ जहाँ पे होम लिखा आप चाहते हैं कि चलिए कुछ चेंज करना चाहते हैं,
तो मैंने क्या करा कि जहाँ जहाँ डैट लिखा हुआ है, अब डैट कहाँ कहाँ लिखा हुआ पहले तो आपको ये चेक करना होगा। मैंने क्या करा, कंट्रोल एफ प्रेस किया और मैंने देखा डैट कहाँ कहाँ है, DHAT डैट। और देखिए डैट हमारे पास जहाँ जहाँ भी डैट है, हम चाहते हैं कि भाई डैट को रिप्लेस कर दें और डैट जो है वो हमारे पास दिस में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं रिप्लेस कंट्रोल एच प्रेस करूँगा और मैंने क्या किया, डैट जहाँ लिखा हुआ था वहाँ पर मैंने क्या कर दिया, दिस हो जाए। तो मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूँगा। अब ये देखिए जहाँ जहाँ भी डैट था वहाँ पे ये दिस हो चुका है। अब मैं यहाँ पे डैट सर्च करूँ तो डैट सर्च नहीं होगा, अभी किसको सर्च करेगा, दिस को, THIS दिस, एंटर प्रेस करें, जहाँ जहाँ दिस था वहाँ पे ये शो करने लगा है। तो इस तरह से आप एक रिप्लेस भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज डैट किसी का नेम है या किसी का एड्रेस है, डाटा आपके पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है और आप चाहते हैं कि भाई सबको चेंज करना, तो आप वहाँ पे क्लिक करके चेंज करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप रिप्लेस कमांड यूज़ करके आप उसको ईजिली घंटों का काम सेकंडों में ही कर सकते हैं। तो रिप्लेस कमांड काफ़ी अच्छा है। उसके बाद है सिलेक्ट। सिलेक्ट मीन्स कंट्रोल ए, मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया था, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल होता है हमारे पास। तो दोस्तों ये हमारे पास सारे कमांड थे होम के, जिसमें मैंने आपको सारे होम टैब के जो भी है, होम मेन्यू था हमारे पास, उसमें मैंने आपको एक एक चीज़ करके सारी चीज़ें क्लियर करवा दी, सब कुछ समझा दिया। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा इंसर्ट होगा, इंसर्ट मेन्यू करेंगे हम। तो दोस्तों प्लीज़ अगर आपको इस तरह से और हमारी वीडियो देखनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट बॉक्स पर कॉमेंट करें।